विकास शहरी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने औचक रूप से जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए कारागार प्रशासन द्वारा बंदियों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान जेल परिसर में बंदियों को सिलाई, कंप्यूटर आदि कार्य का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कक्षा का निरीक्षण करते हुए आवश्यक जानकारी हासिल की गई। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आज इंडिया विजन फाउंडेशन द्वारा बंदियों के प्रशिक्षण हेतु लैपटॉप और अन्य प्रशिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध कराए जाने हेतु लेकर आए हैं। निरीक्षण के दौरान एनजीओ के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की गई, जिनके द्वारा जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के उत्थान, शिक्षा और अन्य गतिविधि हेतु भी अपने एनजीओ के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार परिसर की रिक्त भूमि, जिसका उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है, इसमें वर्षा का पानी जमा होने पर जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि निकासी पंप से पानी निकलवाए जाने की व्यवस्था के साथ ही पानी में एंटी लार्वा का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि मच्छरों के लार्वा उसमें उत्पन्न न हो सके। इस मौके पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल, जेलर सहित जेल कर्मी उपस्थित रहे।